कौन है भाई, आगे बढ़ाओ जरा। अरे सर, कब से हॉर्न बजा, साइड ही नहीं दे रहा है। मारो फिर से एक बार हॉर्न। तो आप हो, हमें पता ही नहीं था कि तुम चला रहे हो। नहीं, ड्राइवर से पो पो करके हॉर्न थोड़ी बजवाते, सीधा ठुकवा ही देते। शेर का शिकार चूहों की फौज से नहीं किया जाता। आपका हाथ जोड़े तुम लोग के, जाओ बे। मार ही डालोगे। रुद्र प्रताप सिंह चौहान, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हमको दो बार अंदर किया, हुआ कुछ नहीं, हम ऐसे चुटकी में बाहर आ गए। और एक चीज बताएं, इस बार भी चांस नहीं नजर आ रहा। वो देखो, आ गए तुम्हारे बाप लोग। एक गोली एक दुश्मन, दो गज का फासला और दो गज समी। फाइट लॉस्ट। सलाम।
राम साहब। सर 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 आते ही हर्थ को एक सर हाफ सेंचुरी बनानी है सर। मतलब मेरे को भी बुला लेते सर, काफी टाइम हो गया पटाखे सटाखे किए हुए। उन ब्रदर इन लॉज को मैं भी मार देता सर। ब्रदर इन लॉज उन सालों को सर। ठीक है, अगली दिवाली के लिए तैयार रहना और उसके बाद मिठाई खाने के लिए भी। मिठाई सर? यानी कि तुम्हारी एसपी मैडम अभी बुलाए उन्होंने मिठाई खाने के लिए। या कमन। ऑफिसर, गोली मारने के अलावा और भी कई तरीके होते हैं पुलिस के काम करने के। एक पुलिस वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत जरूरी होता है, और खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि पूरे स्टेट की नजर तुम पर रहती है। और क्या जरूरत पड़ गई थी पंडारी को गोली मारने की? कैन यू टेल मी व्हाई? चूहों को मारने के लिए नगर पालिका की परमिशन नहीं लगती। गेट आउट, आउट। I'm sorry. रुद्र, ऑफिस में मैं बॉस हूं, पर घर में तुम बॉस हो ना। सॉरी। मैं जानती हूं, मैं वहां थोड़ा रूड थी ना, पर तुम ये भी जानते हो रुद्र कि मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। सिर्फ गोली चलाना ही सॉल्यूशन नहीं होता है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, गोलियों की भाषा ही समझते हैं। पर ऐसा लगता है कि उन गोलियों की आवाज में मेरा रुद्र कहीं खो गया है।
रूम की तलाश लो। यहाँ से एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। यस मैम। यहाँ के स्टाफ से भी जाके इंक्वायरी करो। जी मैम। हम पूरी रात यहीं थे सर, बस थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए गए थे। वार्डन मैडम हमसे खुद ही बोली थी कि तिवारी जी अब खाना खा के आओ। और इसके अलावा हमको साहब कुछ नहीं मालूम साहब। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैम। आखिरी बार आपकी बात अपनी बेटी से कब हुई थी? कल शाम 7 बजे मेरी बेटी का फोन आया था। बड़े खुश लग रही थी वो। मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ऐसा कर सकती है, वो सुसाइड नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस को जो एविडेंस मिल रहे हैं उससे ये क्लियर है कि लड़कियों ने सुसाइड किया है। बस सवाल ये उठता है कि लड़कियों ने सुसाइड किया क्यों? मैडम हमारी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती मैडम, नहीं कर सकती मैडम। देखिए अभी आप लोग जा सकते हैं। जी मैडम। लेकिन मौका पड़ने पर जांच के सिलसिले में पुलिस आपको किसी भी वक्त बुला सकती है। हनी। नो मैडम शुगर। हनी सिंह। जी 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 मैडम। इनके स्टेटमेंट्स ले लो प्लीज। जी मैडम। कम फॉलो आफ्टर मी। जी। सर प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने के नाते कॉलेज में हुई घटना के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हमने मुख्यमंत्री साहब को आपका ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि एसपी अदिति सिंह के नेतृत्व में जो जांच चल रही है ना उसे वो जल्दी पूरा कराएंगे। जो सरकार लड़कियों को उनके हॉस्टल में ही सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती है उनको सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरी मीडिया से विनती है कि उस मामले को तूल देकर राय का पहाड़ ना बनाए। और मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमको मीटिंग में जाना है, बाकी मीटिंग के बाद। चल चल। ये बात मैं खुलेआम सबके सामने कह रहा हूँ कि स्त्री का सम्मान है तो राष्ट्र का सम्मान है और इस घटना की निष्पक्ष जांच बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। मैडम जी रिपोर्ट्स। मैडम जी कमरे विच 4 डेड बॉडीज मिलिंग बट ओथे 5 ब्लड सैंपल्स पाइंग और जी 5th ब्लड सैंपल वार्डन द नॉट। क्या तुम्हें विश्वास है कि 5वां ब्लड सैंपल वार्डन का नहीं है? हेलो विश्वास। और मैडम जी बिलीव योर दास हनी सिंह साइंटिफिकली जवाब गिविंग। मैडम जी स्मॉल माउथ बिग टॉकिंग। मैडम जी सुसाइड मिस्ट्री गोल चक्कर लाइक जलेबी। जलेबी टेढ़ी एंड टेस्टी। बैठिए। कोई है? सर महिला विद्यापीठ में हुई घटना और शहर में बिगड़ते व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? महिला विद्यापीठ हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, गर्व है हमारे प्रदेश को इस संस्थान पे। यहां जो कुछ भी हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस बात की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर उन 3 लड़कियों ने आत्महत्या क्यों की। हम कानून व्यवस्था और सुशासन पर भरोसा रखते हैं, इसलिए तो जनता का प्यार
पिछले 15 सालों से मिल रहा है हमको। लेकिन उन सैकड़ों वारदातों का क्या जो पिछले कुछ सालों से सरेआम इस प्रदेश में हो रही हैं? अपहरण, हत्या, बलात्कार, व्यवसायियों और उद्योगपतियों का पलायन, क्या इस अवस्था में जनता का विश्वास प्राप्त कर पाएंगे आप? ए, बस बहुत भाषण दे दिया आपने। आप मीडिया वालों को जैसे जनता की चिंता है, हमको तो कोई चिंता है नहीं। साजिश नहीं करना, हम गरीबों के, पीड़ितों के और शोषितों के नेता हैं। अगर आज जैसे लोग ही जनता के हमदर्द होते तो हम पिछले 3 बार से चुनाव ना ही जीत रहे होते। कहा समझी? हालांकि आप बकवास कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए, चलिए हमें क्या करना चाहिए? आपकी खुशी के लिए हम वही कर देते हैं। सर, जाबाज पुलिस ऑफिसर रुद्र प्रताप सिंह चौहान, जनता की मांग है कि आप उन्हें स्टेट क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स वापस ले लें। बुला लिया। जाबाज पुलिस वालों की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ईमानदारी के नाम पर बेगुनाह गरीब लोगों को सताना, उन्हें झूठे केस में फंसा देना, जाति के आधार पर लोगों को क्रिमिनल ठहरा देना, सिर्फ मेडल और तालियों के लिए काम करना, यह गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को कोई पुलिस वाला परेशान ना करे। बस एपीए डीजीपी साहब को कहिए रुद्र प्रताप सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से क्राइम ब्रांच में वापस लाया जाए। ऑर्डर। बस आशीर्वाद। अदिति, वो आत्महत्या वाला केस, वो आत्महत्या नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि सुसाइड के प्राइम एविडेंस खुद सुसाइड के खिलाफ जाते हैं। 4 डेड बॉडीज में 5 ब्लड सैंपल्स। इट हैज टू बी अ केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। रुद्र, I think I need your help. मगर तुम्हें पता है ना मेरे काम करने का तरीका क्या है? तुम नहीं सुधरोगे। देखो रुद्र, तुम्हें अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फिर से ट्रांसफर हो। पहले बैंगलोर, फिर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और अब यहां। प्लीज मेरे लिए। तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। नहीं, इन तीनों में से किसी एक की भी हैंडराइटिंग नहीं है। इस कमरे से पुलिस ने जितना भी सामान बरामद किया है मैं देखना चाहता हूं। सर, तुम्हें बैग निकाल। ये रहा सर। चल।
मुझे सिम कार्ड के सारे डिटेल्स चाहिए, कॉल लॉग, लास्ट कॉल, ओके? और बैंक जाकर पता करो कि 5 लाख रुपए का पेन स्लिप किसके नाम पे है। देयर हैज टू बी अ कैश टू दिस। कॉलेज हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती हैं, मुझे इन सब के डिटेल्स चाहिए। पंचानवे, छियानवे, संतानवे, अंठानवे। हेलो साहब, फोन लग गया। गुड आफ्टरनून सर। मुद्दा थोड़ा गंभीर है, इसलिए हम खुद ही फोन कर दिए। लड़कियों का सुसाइड केस जिसका आप जांच कर रही हैं, जरा जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचिए। सर, पुलिस अपने काम में लगी हुई है। आई अश्योर यू, पुलिस जल्दी ही किसी नतीजे तक पहुंच जाएगी। आप जैसे पुलिस अधिकारी से हम ऐसे ही उम्मीद रखते हैं जी। और इस बात का ख्याल रखिए कि विपक्ष का लोग इस दुर्घटना को हमारे खिलाफ कोई मुद्दा ना बना पाए। यस सर। जरा समझा के रखिए अपने डिपार्टमेंट के सख्तीमान को। गोलीबारी कम करें और कानून की हद में रह के काम करें। सर कितनी करो रे। मैनेजर। यस मैम। ओके, एसपी अदिति सिंह। ओके, इस सिम कार्ड की डिटेल्स चाहिए। श्योर मैडम, प्लीज कम इन। थैंक यू। आइए प्लीज। चलो सर, ये चेक अकाउंट नंबर किसका है? ये सिम कार्ड किसी कंचन देवी के नाम पे है। एड्रेस? महिला विद्यापीठ छात्रावास, रोड नंबर 12। मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए। सर, ये किसी रमेश दुबे के नाम पे है सर। गुड, एड्रेस? सीनियर हूँ। इनको ही बताइए सब, आप ही पूछे सर। सीनियर हैं लगते नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं बताइए इनको, बताइए। सर एड्रेस प्लीज। मैडम, सबसे ज्यादा कॉल 9719433772 से है और ये किसी रमेश दुबे के नाम पर है। लास्ट कॉल? लास्ट कॉल मैडम 8123020115 और ये किसी कंचन देवी के नाम पर है। ओ रुक रुक, गर्ल्स स्टॉप। एक्सक्यूज मी मैडम, आई वांट टू नो एड्रेस। सेक्टर 12, 272। वेयर? हाँ, सीधा जाके लेफ्ट ले लीजिए। थैंकिंग यू। आप चले? चलो। हाँ लेफ्ट। हेलो। हाँ रुद्र, अच्छा दो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, लिख लेना। यही है सर, 12/272। अब मुझे देख। रमेश दुबे घर में है क्या? इस सर, यहाँ कोई रमेश दुबे नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते? अच्छा, यहाँ नहीं रहते भाई। अरे सर, बैंक ने यही एड्रेस दिया है, 12/2। पूछिए ठीक से। आप पूछ रहा हूँ यार। हाँ। कितने सालों से रहती हैं? सर 10 साल हो गए। अच्छा, दुलारे? रुक जा। फेक आइडेंटिटी, फेक एड्रेस, फेक एवरीथिंग सर। अच्छा एक काम करो, तुम बैंक वापस जाओ। अगेन बैंक सर? हनी सिंह जी, कुछ प्रॉब्लम है? नो 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 सर। गुड, जाओ वहां पे। यस सर, गोइंग सर। साला बैंक पे बैंक। डिटेल सर नॉट अप टू डेट। कोई बात। लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था? सर वो वेडनेसडे को शाम को 6:30 बजे सुंदरनगर एटीएम से कुछ पैसे निकाले गए थे सर। वेडनेसडे शाम, वेडनेसडे 6:30, उसी दिन मर्डर हुआ था? यस सर। खैर, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सॉरी सर, एक्चुअली वो मैंने कहा मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है अभी। क्या ये फुटेज है? जी सर।
स्लो करो। ये 6:30 बजे। यस सर। पॉज करना, मुझे इस आदमी की तस्वीर चाहिए। सर ये तो ठेकेदार पांडे पांडे लगता है। हाँ लग तो वही रहा है। तुम जानते हो इसे? हाँ जी हाँ जी, ये नेतालों का बहुत बड़ा वो स्पून चम्मच चमचा है। अरे शंकर जीजा प्रणाम। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे कहाँ गायब रहते हो दिन भर? कहाँ हो गया? जरा देखो पुलिस वाली पांडे को कहाँ है थाना लेकर गई है। जी। पता करो कहाँ मामला है और पलट के हमको फोन करो। ठीक है। हाँ लेकर आऊं उसे। बाबा बहुत बढ़िया। रमेश दुबे नाम का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास कहां से आया? रमेश दुबे? कौन रमेश दुबे? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। रमेश दुबे तुम्हारा कौन लगता है जो उसके डेबिट कार्ड से तुम पैसे निकाल रहे थे? मैडम पैसे कार्ड का कह रही हैं आप? हमारे पास 2 कार्ड है, एक वोटर कार्ड और एक लाइसेंस। नहीं कहिए तो खोल के दिखाएं हम है? और वो पिछले महीने गवर्नमेंट की स्कीम में आधार कार्ड भी अप्लाई किए हैं हम। फोटो कॉपी दे जाएंगे उसके थाने में। एसपी मैडम को प्रणाम। कहाँ भिजवा रहे पांडे जी मैडम को? बबलू भैया मंटू भैया, अरे तुम तो एकदम चौचका दिए हमको। भैया जी जमानत करवा दिए, चलिए अब। बराबर से देखिएगा मैडम, साइन वन सब बराबर है ना। चलो चलो पांडे जी चलो। आगे दीजिए। चलिए कहा पांडे जी? अरे सुने कि पुलिस उठा के ले गई थी आपको है? अरे शंकर भैया उस नई लड़की को कहा पता कि हमारी पहुंच कितनी ऊपर तक है। फिर भी उठ गए। अब शंकर भैया पार्टी के मेन कार्यकर्ता तो आप ही हैं। अब भला आपसे ऊपर यहाँ कोई हो नहीं सकता, क्यों भैया? ये सब क्या चल रहा है अदिति? किस तरह के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हो तुम? गर्ल्स हॉस्टल